Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Dark Rocks. My name is Pragyesh Mishra and I am second year MBBS student at KGMU Lucknow. I am going to attempt the challenge of a 100 hour realistic study with me. एंड आप में से जो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो सो ट्राई टू फॉलो सच चैलेंजेस क्योंकि चैलेंजेस है ना ज़्यादा अच्छे से हम स्टडी कर पाते हैं. तो लेट्स सी कि हम 100 आवर स्टडी चैलेंज एक वीक में कितने हद तक पूरा कर पाते हैं. एंड इट विल बी 100% ऑनेस्ट. इसमें मैं कुछ भी अपने से इंक्रीज डिक्रीज नहीं करूँगा. आपको हर एक घंटे का हर एक मिनट का आपको टाइम लैप्स वीडियो दिखेगा एंड साथ ही साथ हमने जो भी चीज़ें की होंगी अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी वो भी आपको बताएंगे. तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना. विदाउट फर्दर एडू लेट द शो. सो सुबह के बजे हैं 9 और मैं आ चुका हूँ अपने रीडिंग रूम में. हमारा जो लाइब्रेरी का रीडिंग रूम है वो सुबह 9 बजे खुलता है एंड पूरी रात खुला रहता है और सुबह के 6 बजे बंद होता है 3 घंटे सफाई के लिए. अराउंड 4 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन 4-5 आवर्स हम थोड़ा सा खेलने जा रहे हैं बैडमिंटन. एंड प्राची वॉज रीडिंग अटोमिक हैबिट्स बुक एंड उसने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई. सो प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस. यू डोंट हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन द आउटकम्स दैट वॉट यू वॉन्ट टू बिकम. लाइक अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो या फिर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं. सबसे पहली चीज़ तुम मान लो कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और फिर उसके बाद से तुम मतलब खुद को वो चीज़ इमेजिन करो दैट हु यू वॉन्ट टू बिकम. एंड देन उसके बाद ये सोचो कि अगर तुम वो होते तो तुम क्या क्या करते. एंड देन अपने आप तुम फॉलो करना स्टार्ट करने लगोगे. जब भी आप लंबे घंटे पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा खेलना ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ना हटे और बर्नआउट फील ना हो. एंड हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसे हट सकता है क्योंकि हमारा कैंपस इतना ब्यूटीफुल सा है. तो जब भी हम थोड़े बर्नआउट फील होते हैं तो हम अपने कैंपस को ही देख लेते हैं एंड हमारा मूड फ्रेश हो जाता है. And then it's time to study again. I am studying pathology today and let's see ki how much I can complete. Mujhe puri systemic patho ek baar revise karni hai aaj. Hamara library session just khatam hua hai abhi. So around 6 to 7 hours we managed today. We're expected to do better but we will take 6 to 7 hours because do teen din se padhai ho nahi rahi thi. Now library session done from 9 a.m. till 8 p.m. and after dinner I started my study session in my room. And थोड़ी सी भूख लग गई थी रात में 12 बजे. सो थोड़ा सा पास्ता एंड सब मिस्टर बीस वीडियो. सो आई थिंक आई एम डन. एक बज रहे हैं बट नींद आ रही है. सो होते रामदास नायक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड देन लेट्स स्लीप. गुड मॉर्निंग. सो आज फिर से लाइब्रेरी चलते हैं एंड आज 11 बज गए. थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में बट नेवरदलेस वी विल गो एंड हैव अ गुड स्टडी सेशन इन द मॉर्निंग. आई विल से कि मैं भी बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं हूँ एंड नीट के टाइम पे स्पेशली मैं भी बहुत ट्राई करता था कि लंबे आवर्स को अच्छे से पढ़ सकूँ बट आई कुड नॉट मैनेज. सो मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स की बट वो भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आई. सो आई जस्ट ट्राई डिफरेंट थिंग्स ट्राई टू शो यू कि क्या काम करता है मेरे लिए और आपके लिए एंड क्या क्या काम नहीं करता है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस. सो डे 1 एंड डे 2 वर डेडिकेटेड टू पैथोलॉजी. सो आज डे 2 है तो आज भी पैथोलॉजी करना है जो भी इनकम्प्लीट रह गया है. एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी में ऑलमोस्ट चैप्टर्स आर कम्प्लीट. बस इंडोक्राइन बचा था. सो आई वॉज स्टडिंग इंडोक्राइन एंड वाइल स्टडिंग इंडोक्राइन सिस्टम मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में पढ़ रहा था और यहाँ पर लिखा है कि स्लीप डिसऑर्डर से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है. सो प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल सही करें इंक्लूडिंग मी. सो गाइस आज मैंने बहुत पढ़ा और आज मैं रात तक बैक्टीरिया अपना कंप्लीट कर दूंगी. बट ये जो इंसान है ये जो प्राणी है ये सुबह 9 बजे की आने की बजाय सुबह 11 बजे आया है और फिर स्टिल मैंने सोचा कि अब पढ़ लेगा बट नहीं. सुबह 11 बजे आया फिर 1 बजे जाके फिर सो गया और फिर 5 बजे आया है. तो आज ये सिर्फ सोया है इसने पढ़ाई इतनी नहीं की है. देखो यार व्लॉग को सच्चा रखना है ठीक है. आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग दिन भर पढ़ते ही रहते हैं. हम भी इंसान हैं हमसे भी गलतियां हो जाती है. तुमसे इससे सोने वाली गलती मोस्टली होती रहती है. सी एवरी डे मे नॉट बी योर डे बट देर इज समथिंग गुड इन एवरी डे. ओके 100% हमेशा नहीं रहेगा. कभी 70 कभी 80 90 किसी दिन हो सकता है कि 50 हो जाए बट ट्राई करना 0 ना हो किसी दिन. हाँ, okay, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
जो सेकेंड ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, एंड आफ्टर सो मच एफर्ट आई मैनेज टू कंप्लीट माई सिस्टमिक पैथोलॉजी रिविजन एंड इज टाइम टू कॉल दिस डे ऑफ। सो द डे इज स्टार्टिंग एट 10:30 एंड टुडे इज माइक्रोबायोलॉजी डे। आज पूरी माइक्रोबायोलॉजी मुझे रिवाइज करके ख़त्म करनी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट्स डे 3 एंड स्टिल 76 आवर्स आर रिमेनिंग एंड आज है माइक्रोबायोलॉजी डे, तो उसके लिए मुझे पूरी सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी रिवाइज करनी है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इतना सब कुछ पढ़ के मेरा दिमाग जो है कॉन्स्टिपेट सा हो गया था। सो मैं गया थोड़ा सा ब्रेक लेने बाहर और प्यारे से पपी के साथ खेल रहा था थोड़ा सा, एंड आफ्टर दैट आई केम बैक एंड स्टडीड द होल माइक्रोबायोलॉजी एंड ये प्यारा सा सनसेट देखते देखते आवर डे गॉट एंडेड। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड आज जो माइक्रो की रिवीजन क्लास लगी हुई है प्रैक्टिकल की, सो वी आर गोइंग देयर। आज ये जो माइक्रोबायोलॉजी की रिवीजन क्लास है, तो देखिए हमारा जो एमबीबीएस में एग्ज़ाम है कुछ ऐसा ही होता है, हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है एमबीबीएस का। ये है डॉक्टर आयुष कुमार सिंह एंड यहाँ पे ऐसे स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं और हमें पहचानने होते हैं कि स्पेसिमेंट्स का क्या काम है इन स्पेसिमेंट्स का। ये हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पे पैथोलॉजी का 111 फाउंडेशन डे था, तो आप समझ सकते हो कितना पुराना है हमारा कॉलेज। एंड देन बैक टू आवर लाइब्रेरी इन आवर रीडिंग रूम एंड क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है तो उसके लिए रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम आपस में डिस्कस वीडियो में हम कट लगाते हैं ना, जो जहाँ से हमारे कैंपस का प्यारा सा व्यू दिख रहा है एंड देन वी स्टार्टेड रिवाइजिंग टुगेदर एक दूसरे को पढ़ा के। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग लिशमैनिया डोनोवानी। सो व्हाट इज लिशमैनिया डोनोवानी? आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं, लिशमैनिया डोनोवानी कॉजेस काला आजार। लिशमैनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाननी है कि ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। आवर कॉलेज इज गोइंग टू बी द सेकंड कॉलेज आफ्टर एम्स न्यू दिल्ली टू हैव अ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन, जो कि हमारे कॉलेज के एलुमनी डॉक्टर बलराम भार्गव जो ICMR के डायरेक्टर रहे हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। सो लॉट ऑफ द टाइम्स जो है कमेंट्स में लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे स्टेट कॉलेज लेना चाहिए जैसे कि KGMC अच्छा कॉलेज या फिर जो नए एम्स खुले हैं वो। सो क्या होता है देखो कि पढ़ाई मोर और लेस सिमिलर ही होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर जो हैं वो उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो तो सिमिलर तरीके से ही होगी, तो पढ़ाई का तो उतना ज़्यादा इशू नहीं आता है। बट इशू कहाँ आता है, तो इशू आती है फंक्शनिंग पे, क्योंकि देखो जो पुराना कॉलेज है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। एंड जैसे कि जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जिसका आज हमारा एनुअल डे था, तो 111th फाउंडेशन डे था, तो 111 साल से जो डिपार्टमेंट चल रहा है तो उसको पता है चीज़ों के बारे में, बेसिकली फंक्शनिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग होती है। एंड सेकेंड बात है कि एलुमनी बेस यहाँ का जो है वो बहुत बड़ा है, तो आप जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, जैसे देखो MBBS आप कहाँ से कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट बात क्या है कि आपको आगे भी तो जाना है, तो आप आगे जहाँ भी जाने वाले हो वहाँ पे 120 सालों से वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा एलुमनी बेस है जहाँ पे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं फॉरेन पढ़ने जाना है, USMLE में जाना है, UK में जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे के एलुमनीज मिल जाएंगे जो कि वहाँ पे गए हुए हैं। ऐसे अगर आपको किसी भी और कॉलेज में जाना है या फिर जैसे IAS में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उस लाइन में भी बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो देखो एम्स का टैग हो गया या फिर लोगों को दिखाने के लिए या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घूमना तो एक बात है, बट जब आप मेन कंटेंट की बात आओगे तो जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दैट इज़ बेटर। वेलकम गाइस टू डे 4, 50 घंटे बचे हुए हैं एंड आज करनी है हमें फार्माकोलॉजी रिवाइज, जिसमें मुझे हाफ फार्माकोलॉजी यानी कि CNS एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स उसे आज रिवाइज करना है। सो फार्माकोलॉजी को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालता है क्योंकि जल्दी चीज़ें याद नहीं होती, और ये हो गया था मेरा हाल आज लाइब्रेरी से निकलने के बाद। तो इसके बाद मैं रूम पे भी आके ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, सो टुडे वाज नॉट सो गुड, आई स्टडीड ओनली 10 आवर्स। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे और बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, बिकॉज यस्टरडे वाज अ गुड डे बिकॉज आई थिंक आई मैनेज्ड अराउंड 12 आवर्स यस्टरडे।
लेट्स सी हाउ मेनी आवर्स आई कैन पुट टुडे। अगेन मुझे पढ़नी थी फार्माकोलॉजी, एंड फार्माकोलॉजी को रिवाइज कर करके ड्रग्स का नाम याद करके दिमाग खराब हो गया था। और लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे बाई ईटिंग पनीर सैंडविच एंड बनाना शेक, एंड फिर चलते हैं कॉलेज में। एंड जाते टाइम यहाँ पे दिखा कि साइकिल फॉर कैंसर, यहाँ पे आप चाइल्ड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये कराया जा रहा था हमारे कॉलेज में, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, जहाँ पे जो है साइकिलिंग करनी थी हमें, ताकि चाइल्ड कैंसर के लिए जो है कुछ फंड्स इकट्ठा हो सके। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे कॉलेज में रेगुलर होते रहते हैं। एंड आफ्टर दैट इट वॉज टाइम टू रिवाइज जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स थे। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर चैलेंज, ऑफ आवर 100 आवर स्टडी चैलेंज। सो ऑल इन ऑल इट फील्स वेरी गुड टू कम्प्लीट दिस 100 आवर चैलेंज। ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुका है और मैंने पैथोलॉजी के सारे नोट्स बना लिए हैं। फार्मा और माइक्रो भी पूरी रिवाइज हो चुकी है एक बार। हमने काफ़ी मेहनत की इस वीक में, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कम्प्लीट द 100 आवर चैलेंज। एंड आई विल से कि इट ऑलमोस्ट 90% इट्स ओवर, ओके। एंड दैट इज़ द लेसन आई वॉन्ट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, that every day may not be good, but there is something good in every day, and your small contributions add up. आप जो धीरे धीरे डेली डेली करते हो वो add up हो जाता है, and आप कभी 100% perfect नहीं हो सकते, 80-90% is a sweet spot. That's it for the video. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, and until next time, stay connected.